नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरीशंकर। जी हां, उत्तर प्रदेश का मेगा बजट आ चुका है। सीएम योगी की तरफ से जो मेगा बजट पेश किया गया, इस बजट के बारे में साफ तौर पर दावा किया गया सरकार की तरफ से कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास के साथ ये बजट पूरी तरह से उपयोगी है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का कहना है कि बजट में तो कुछ है ही नहीं, बजट नहीं बल्कि बंटवारा है। जबकि सरकार का दावा है कि इस मेगा बजट के जरिए उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। बजट में किसे क्या मिला, कितना फायदा होगा, किस तरह का प्लान है, 5 साल में कितना विकास होगा, इन तमाम चीजों पर, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। कई पार्टियों के मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं कि बजट के बाद कुछ प्रतिक्रिया आई सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, साथ ही साथ अखिलेश यादव की तरफ से। पहले वो सुनते हैं। यह बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जनाकांक्षाओं की भावनाओं के अनुरूप, प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनाया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लोक कल्याण संकल्प पत्र की भावनाओं के अनुरूप देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश उन जन आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके और समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सके, इस दिशा से उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट 5 वर्षों का एक विजन भी है, जो प्रदेश के सर्वसमावेशी समग्र विकास के साथ साथ एक उज्ज्वल भविष्य की रूपरेखा भी तैयार करेगा। और ये बजट नहीं, ये बंटवारा है। नेता विपक्ष इस सरकार को इसलिए नंबर नहीं देंगे, जिन्होंने पिछले 5 साल का अपना संकल्प पत्र पूरा ना किया हो, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो इस छठे बजट में। सबसे बड़ा बजट है अब तक का। हर साल इस तरह बजट बढ़कर के आएगा, जो अगली बार बजट आएगा वो इससे बड़ा बजट आएगा, वो उस समय का सबसे बड़ा बजट होगा। नहीं, रेटिंग हम इसलिए नहीं करेंगे कि सरकार का, देखिए कहने का तरीका क्या है। मैं अपने पत्रकार साथियों से भी कहूंगा, क्योंकि सरकार के लोगों से आपको मिलने का मौका मिलेगा। ये बजट में कहते हैं हमने किसानों को गन्ने का भुगतान इतना किया है, लेकिन ये सरकार बकाया क्यों नहीं बताती है। सरकार ये कहती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये है, तो सरकार एम्प्लॉयमेंट रेट क्यों नहीं बताती है। सरकार का ये आत्मनिर्भर बनाने का बजट है उत्तर प्रदेश के लिए। आत्मनिर्भर तो है ही नौजवान, जिन पे नौकरी और रोजगार है ही नहीं किसी पर। तो जहां सरकार अपने बजट को एक मेगा बजट बताकर सबका साथ सबका विकास की जो विजन है सरकार की तरफ से, उस विजन को कैसे पूरा करना है, हर सेक्टर्स को इस बजट में कुछ न कुछ मिला है। और ये तमाम तरह की कोशिश इस बजट के जरिए की गई है कि जहां जहां जितनी भी ज़रूरत है प्रदेश के विकास के लिए, उसकी प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, इस बजट को कैसे उपयोगी बनाया जाए, इसका पूरा ख्याल रखा गया है इस बजट में। बजट को पेश करने के बाद वैसे एक बात जो खास बात तौर पर नज़र आई कि जब बजट पेश किया जा रहा था वित्त मंत्री की तरफ से, उस दरमियान समाजवादी पार्टी के विधायकों की तरफ से कोई शोर शराबा नहीं हुआ। बाद में इस बजट पर कई तरह के सवाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से उठाए गए। उन्होंने कहा कि बजट नहीं बल्कि ये बंटवारा है, इस बजट से कुछ नहीं होने वाला, इस बजट से ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा विकास हो जाएगा। बजट हमेशा पहले साल की अपेक्षा जो अगले साल का बजट होता है वो हमेशा बड़ा होता है, इसलिए जब अगला बजट आएगा तो इसे बड़ा ही होगा। लेकिन सीधे तौर पर इस पूरे बजट को देखने के बाद लगता है कि इस बजट को बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाया गया है,
और पूरी तरह से यूपी उत्तर प्रदेश की सरकार खजाना खोलकर बजट के जरिए प्रदेश की तरक्की और प्रगति के लिए जितनी भी ज़रूरत है पैसे की कहीं कोई कमी नहीं आए इसका पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। और इस बजट के जरिए प्रदेश या सूबे की सरकार योगी सरकार इस बात को बताना चाहती है, चाहे सुरक्षा का मसला हो, महिला सशक्तिकरण का मसला हो, या फिर नौकरी का स्वरोजगार का मसला हो, या फिर उत्तर प्रदेश में बिजली, किसानों के मसले, तमाम ऐसे मसले हैं, हर जगह पर इस बजट के जरिए जो आवंटित किए गए हैं, अलग अलग मदों में जो पैसे डाले जा रहे हैं उसका पूरी तरह से भरपूर प्रयोग और इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए खास तौर पर किस तरह से उनके अंदर खेल प्रतिस्पर्धा बढ़े, कैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए फ्री में कोचिंग हो, कैसे सिंचाई व्यवस्था को बहुत ही मजबूत बनाया जाए, कैसे किसानों की जो समस्या है उन समस्याओं पर और अधिक से अधिक सरकार की तरफ से ध्यान दिया जाए, इसके अलावा जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार से कैसे जोड़ा जाए, साथ ही साथ प्रदेश के तरक्की के लिए जहां भी जिस तरह की ज़रूरत होगी वहां पर हर वो उपाय इस बजट के जरिए करने की कोशिश हुई है जो सरकार दावे कर रही है, हालांकि विपक्ष को ये पसंद नहीं आ रहा है। चलिए, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ रफत फातिमा, प्रवक्ता कांग्रेस की जुड़ी हुई हैं। रफत फातिमा, आपका स्वागत है। योगेश मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश मिश्रा समाजवादी पार्टी के नेता हैं, स्वागत है आपका। मुकेश त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता। मुकेश त्यागी जी, आपका स्वागत है। मनीष गुप्ता हमारे साथ हैं, इकोनॉमिस्ट, साथ ही साथ राजनीतिक सलाहकार भी। मनीष गुप्ता जी, आपका स्वागत है। सुन पा रहे हैं सर आप लोग ना? जी। हाँ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त हैं, जनार्दन मिश्रा। जनार्दन मिश्रा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं मनीष गुप्ता जी के पास आना चाहता हूँ। मनीष गुप्ता जी, एक बात बताइए, देश का बजट, फिर प्रदेश का बजट, देश के बजट का लोगों को इंतज़ार होता है, लेकिन अब एक नया ट्रेंड ये भी आ गया कि प्रदेश के बजट का भी लोगों को इंतज़ार होता है, और ये ट्रेंड मुझे लगता है कि 2-3 सालों से इधर ये देखने को मिल रहा, नहीं तो प्रदेश में किसी सूबे में स्टेट में कब बजट आता था, कब चला गया, पता ही नहीं चलता था लोगों को। लेकिन अब बजट प्रदेश का हो चाहे देश का बजट हो, लोगों की नज़र रहती है। मुझे थोड़ा सा जानना है आपसे कि योगी 2.0 की सरकार का जो मेगा बजट है, इस बजट को मेगा बजट ही सिर्फ कहा जाएगा या फिर इस मेगा बजट में वाकई में 5 साल का विजन दिखता है आपको, बताइए सर जरा। देखिए, योगी 2.0 का पहला बजट, वित्त मंत्री वही सुरेश खन्ना जी, बजट का अमाउंट थोड़ा बढ़ गया है, 6,15,000 करोड़ हो गया। कैसे बढ़ गया है? पहली बात तो जीएसटी में शेयर बढ़ गया, सरकारी कलेक्शन, केंद्र का कलेक्शन जीएसटी का ज्यादा है तो नेचुरली यूपी का कलेक्शन बढ़ गया। इसके अलावा पेट्रोल डीजल से सरकार को, केंद्र सरकार को कमाई हो रही है तो उत्तर प्रदेश सरकार को भी हो रही है, तो रेवेन्यू का तो मेजर सोर्स ये है। अब उन्होंने, सरकार ने कैसे बांटा ये समझ लीजिए। देखिए, योगी सरकार के बजटों की खास बात ये रही है कि जब चुनाव आने के थे, सर पे चुनाव थे, तब भी इन्होंने चुनावी बजट नहीं बनाया, और इसी तरीके से जब अब जीतने के बाद का पहले बजट से अगर बहुत उम्मीद करें तो ये ज्यादती होगी, क्योंकि इस अभी 1-2 बजट पर सरकार अपने आप को बिल्ड कर रही होती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही होती है, लोक लुभावन बजट नहीं बनता है। तो ऐसे में मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि ये लोक लुभावन बजट नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें कैसे फिल्म सिटी की जैसे स्थापना करनी है, या गरीब लोगों को राशन देना है, या बिजली पे ट्यूबवेल के लिए इन सब पे छूट देनी है, प्रीपेड वर्सेस पोस्टपेड मीटर का हिसाब रखना है ना, मुफ्त का गैस कनेक्शन देना है, इस पे काम करना हो, या स्वास्थ्य परिवार कल्याण पे काम करना हो, है ना, या नए नए शहरों जैसे बनारस है, गोरखपुर, इनमें मेट्रो बनाने का प्लान हो, या सोलर पंप की स्थापना करनी हो, है ना, या महिला सामर्थ्य योजना के लिए पैसे की व्यवस्था करनी हो, किसानों के लिए कितने पैसे है इसकी व्यवस्था करनी हो, इन सब पर काम हो रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीदें इस बजट से होती हुई नहीं दिखती। तो क्या क्या मानते हैं आप, मनीष गुप्ता जी, मानते हैं कि अखिलेश यादव जो
एक तरह से प्रहार जो करते नजर आए कि ये बजट नहीं बंटवारा है, क्या कहने का मतलब था वो? बंटवारा का मतलब क्या? देखिए अखिलेश यादव जी अपना चुनाव हार चुके हैं, अब वो कुछ भी कहें जनता उस पर बहुत ध्यान देने वाली बात। एक मिनट में सर बात पूरी कर लीजिएगा, फिर दूसरे मेहमान के पास चलेंगे। तो अखिलेश यादव जी के कहने का फर्क नहीं है भाई, उन्होंने देखिए एक और बात समझिए, प्रदेश के जो बजट का सबसे बड़ा इशू होता है वो ये होता है कि 6 लाख करोड़ का अगर बजट है तो इसमें 4.5 लाख से अधिक अमाउंट तो सैलरी में चला जाता है। तो वस्तुतः केंद्र सरकार राज्य सरकार के पास बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। जैसा चिकित्सा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए तो उसमें से 70,000 करोड़ तो सैलरी में चले जाएंगे, तो कितने के इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे? तो जब तक सरकारें, मैं सरकार नहीं कर रहा, सरकारें अपने इंप्लॉइज कॉस्ट को कम नहीं करेंगी तब तक इन बजट से बहुत कुछ मिलेगा इस बात की संभावना कम है। अब मान के चलिए मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 695 करोड़ दे दिए गए, तो इसमें से कितना पैसा सैलरीज में खर्च होगा और कितना पैसा नॉन सैलरीज में खर्च होगा? अगर सरकार ये बताना शुरू कर दे तो जनता को समझ में आना शुरू हो जाएगा कि इस बजट का कितना इम्पैक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात सर। नहीं तो लोग ऐसा समझते हैं कि 695 करोड़ रुपया दे दिया गया मतलब 695 करोड़ में पूरा वो बन जाएगा परियोजना, लेकिन ऐसा नहीं है। 695 करोड़ में इतने बंटवारे हैं कि उन बंटवारों को देख करके ऐसा लगता है कि बजट के जरिए बहुत बड़ी उम्मीदें तो नहीं की जा सकती है। तो क्या माना जाए जनार्दन मिश्रा जी, जनार्दन मिश्रा जी क्या माना जाए कि अखिलेश यादव की तरफ से जो आरोप लगाया गया कि बजट नहीं बंटवारा है, सब कुछ क्लियर क्लियर तो सरकार बताए, बेरोजगारी की दर तो सरकार बताती है, रोजगार का दर क्यों नहीं बताती है, है ना? तमाम तरह की चीज़ें वो कह रहे थे। तो ये बंटवारा शब्द के जरिए जो उन्होंने हमले करने की कोशिश की, क्या उसे बजट के मायने कम हो जाते हैं क्या, जरा बताइए सर। देखिए गौरी शंकर जी, जो भाजपा का एक प्रस्ताव है विकास का, 2 मिनट है सर आपके पास, स्टीडी और सस्टेनेबल है, वो धीरे धीरे और विकास की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। और जैसा कि अभी हमारे पैनलिस्ट ने भी कहा कि चुनाव से पहले उन्होंने चुनावी बजट पेश नहीं किया था, बहुत ज्यादा कोई फ्लैशी और बहुत चमकदार चीज ऐसी नहीं दिखाई देती है जिसमें लोग आकर्षित हो या उसमें उम्मीदें बढ़ा ले, लेकिन उनका जो बजट है उसमें मुझे लगता है कि एक बैलेंस करने की कोशिश की गई। जो दिक्कतें थी महंगाई को लेकर, जो कुछ रोजगार को लेकर की बात की गई कि स्वरोजगार को कैसे बढ़ाएंगे, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात की गई, तो इसको मुझे लगता है कि एक कंप्लीट बजट की तरह उन्होंने पेश किया है। और देखिए विपक्ष का तो एक मतलब एक आधार है, उनको तो विरोध करना है और विरोध करने में वो पूरी तरीके से उसको निग्लेक्ट भी करते हैं, लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं है। मुझे लगता है कि काफी इसमें चीजें हैं जिनको 5 साल में पूरी तरीके से खिल के बाहर आना है। तो क्या मैं ऐसे समझूं आपकी बात कि दरअसल दूसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है, तो इसमें 5 साल का विजन दिख रहा है सरकार का, 5 साल का विजन दिख रहा है आपको? क्योंकि अलग अलग सेक्टर के हिसाब से मैं भी पढ़ रहा था, हर सेक्टर को कुछ ना कुछ दिया गया है, किसको कितना मिला है, कितना मिलेगा, कितना आगे काम बढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से समझें कि 1 साल का हिसाब किताब नहीं बल्कि 5 साल का विजन बता रहा है कि इस बजट के जरिए दरअसल सरकार की मंशा क्या है, उसके इरादे क्या है, ऐसा है ना सर जनार्दन जी? जी गौरी जी, इसमें 24 का जब चुनाव आएगा तो मुझे पूरा यकीन है कि भाजपा इन्हीं चीजों को लेकर अपने आप को प्रस्तुत करने वाली है, तो वो चीजें अभी से प्रदर्शित होनी शुरू हो गई हैं। चलिए ठीक है, मुकेश त्यागी जी के पास मैं आ रहा हूँ, बीजेपी के नेता प्रवक्ता। मुकेश त्यागी जी, मैं कैसे समझूं या जनता कैसे समझे, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हम सब उसी फेज़ के हैं, हम लोग की उम्र भी मुझे लग रहा है बहुत है ना आसपास ही उम्र रही होगी, हम लोग उस फेज़ के हैं जहां पर बजट का मतलब बस बजट ही जानते थे, बजट के अलावा कुछ जानते नहीं थे, है ना, कि बजट में होता क्या है ना, देश का बजट आता था, अच्छा ये सामान महंगा हो गया, ये सस्ता हो गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता था, है ना। मनीष गुप्ता जी को हो सकता है कुछ ज़्यादा पता रहता होगा क्योंकि उनका इंटरेस्ट रहा, तभी आज इकोनॉमिस्ट हैं और सीए हैं, है ना, बहुत सारी डिग्री उन्होंने इकोनॉमिक्स में ले रखी है। लेकिन जो सामान्य लोग हैं जिनको इकोनॉमिक्स की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, बजट का मतलब सिर्फ बजट, बजट के अलावा इधर उधर कुछ जानते नहीं है। लेकिन अब समय बदल गया है, मुझे लगता है मुकेश त्यागी जी समय बदल गया है कि बजट की हर चीज़ों को रेखांकित करना होगा। क्या आप लोगों ने कोशिश की कि हम जो पैसे दे रहे हैं, जैसा कि सवाल उठाया मनीष गुप्ता जी ने,
हम जो पैसे दे रहे हैं पैसे का एक एक हिसाब तो बताएं, सिर्फ ऐसे कह देने से कि 1000 करोड़ दे रहे हैं, 10000 करोड़ दे रहे हैं, तो कहाँ खर्च होगा 1000 करोड़ रुपया? ये मुझे लगता है थोड़ी सी कमी हर बजट में आजकल दिख रही है, खासतौर पर जो प्रादेशिक बजटें होती हैं उसमें। इसकी कोशिश आप लोग किए सर कि सबको अलॉटमेंट है? अभी चूंकि अखबारों में कम चीज़ें आ रही हैं और जो जो बजट का जो पेपर उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्च होगा, बताइए सर। नमस्कार गौरी जी, और मैं समझता हूँ कि जो जम्बो बजट आज योगी जी ने पेश किया है वो मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय है और उत्तर प्रदेश की प्रगति के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा, ये आपको समय बताएगा। कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रणाम, इसपे किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब आप देखिए कि मोदी जी का सपना है $5 trillion इकोनॉमी बनाने का और उसमें उत्तर प्रदेश ने जो टारगेट रखा है वो $1 trillion इकोनॉमी का रखा है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा टारगेट है। लेकिन उत्तर प्रदेश ये $1 trillion इकोनॉमी के लिए उन्होंने RFP निकाली, RFP के माध्यम से उन्होंने बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज को इन्वाइट किया ताकि वो ब्लूप्रिंट बना सके फॉर द डेवलपमेंट फॉर द उसका विकास के लिए उसका जो है। अब उन्होंने 2027 तक का 5 साल का कार्यकाल दिया है। तो योगी जी अगर गंभीर नहीं होते तो क्यों तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि बजट सबका साथ सबका विकास है, अखिलेश जी कह रहे हैं कि नहीं ये तो मटवारा है, तो क्या किसी खास सेक्टर्स पर ज्यादा ध्यान दिया गया है और कई ऐसे सेक्टर्स को छोड़ दिया गया है, किसी खास इलाके पर ज्यादा ध्यान दिया गया है और कई ऐसे इलाके को छोड़ दिया गया? बंटवारा का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली, कहाँ कोई बंटवारा नहीं है अखिलेश जी। मैं समझता हूँ कि अभी तक अपने फ्रस्ट्रेशन से बाहर नहीं निकल पाए हैं। वो ठीक है, उन्होंने जिस प्रकार की भाषा का उपयोग असेंबली के पटल पे किया वो आपने सबने देखा, जग जाहिर वो आपने मतलब इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अगर वो इस प्रकार की भाषा कर रहे हैं, बंटवारा नहीं है ये विस्तार है और ये समावेशी है, हर प्रकार से समावेशी है। आप चाहे देख लीजिए समाज से सबसे छोटे जुड़े लोगों से 15 करोड़ लोगों को अनाज पहुंचाना, ये क्या बंटवारा है? अरे आप ये बताइए किस प्रकार से कहां पर बंटवारा किया है? अगर आज आवास का आवंटन होता है तो उसमें हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई को नहीं देख करके बंटवारा होता, वो बंटवारा जो है बिना विस्तार के साथ होता है। जल की समस्या, स्वच्छ भारत के अंदर जिस प्रकार से शौचालय का व्यक्तिगत रूप से निर्माण हुआ है तो क्या वो बंटवारे के आधार पर हुआ है? तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही उपहासनीय बातें अखिलेश जी कर रहे हैं और अखिलेश जी से मैं गंभीर वक्तव्य की अपेक्षा करता हूँ। वो एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं इस प्रांत के, ये नहीं कि उनको अपना व्यक्तिगत। अच्छा मैं पूछ लेता हूँ, मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्या सोच करके उन्होंने कहा। योगेश जी हैं इस वक्त हमारे साथ, योगेश जी एक बात बताइए, मैं नहीं समझ पाया कि अखिलेश यादव किसी बजट को बजट नहीं कह रहे, बंटवारा कह रहे, बजट तो भी लाते थे, वही मुख्यमंत्री थे, उनके बजट पर भी सवाल उठता ही होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सवाल उठने के बाद उसका क्लैरिफिकेशन भी होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ बंटवारे का मतलब क्या, क्या इस बजट को आप इलाके के हिसाब से देख रहे हैं, इस बजट को धर्म के हिसाब से देख रहे हैं, इस बजट को आप जाति के हिसाब से देख रहे हैं, इस बजट को आप उत्तर प्रदेश के अलग अलग वैसे इलाकों के लिए देख रहे हैं जहां बीजेपी का गढ़ है और वहां ज्यादा मिला, जहां कम है वहां कम मिला, ऐसा है क्या योगेश जी? आदरणीय गौरीशंकर जी, सबसे पहले तो जो बजट आज भी बजट देखिए बजट को तैयार करने में रातों रात बजट नहीं बन जाता, उस पर बहुत रिसर्च होती है किस विभाग को किस मुद्दे पे कितना आवंटन करना है, तो इससे बहुत ही मेहनत होती है, इस मेहनत को एक झटके में नकारा नहीं जा सकता। विपक्षी होने के नाते हमने सिर्फ आईना दिखाने का काम किया है, जो आरोप आप हम पे लगा रहे हैं या विपक्ष के लोग लगा रहे हैं कि हमने कुछ कहा, बंटवारा इन द सेंस कि एक गरीब तबके का जो आदमी जो गांव ग्रामीण क्षेत्र परिवेश का आदमी है वो किसान जो किसानों आपसे अपेक्षा रखता था सरकार से कि हमारे लिए भी कुछ बजट में आ सकता है, वो जो जिसको आप फ्री अन्न देने के अनाज दे रहे हो वो भी आशा लगा कुछ ऐसा करें कि हमें फ्री न मिले, हमें भी रोजगार के साधन मिल जाते। आपने अखिलेश जी ने शिक्षा प्राथमिक शिक्षा को टारगेट किया कि वहाँ पे मिड डे मील के वहाँ पे जो संसाधन से किताबें नहीं पहुंची, बस्ते नहीं पहुंचे, कपड़े नहीं पहुंच पाए, रोजगार स्वरोजगार तो युवा है ही, युवा है ही और उसके रोजगार के लिए आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, इसको लेके उन्होंने बंटवारा शब्द का अगर इस्तेमाल किया होगा इस सेंस में किया होगा, बाकी और कोई बंटवारा नहीं, विपक्ष होने के नाते एक आईना दिखाने का काम किया। बजट आपका वेरी गुड है, आप दूरदर्शिता दिखाते हुए आपने किया होगा, प्रदेश के हित के लिए किया होगा। सोच के बोल रहे हैं ना योगेश जी, अखिलेश यादव अगर इस शो को देख रहे होंगे, पता नहीं देखते नहीं देखते हैं, लेकिन अगर देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे
कैसे प्रवक्ताओं को बैठा दियो भाई, मेरी बात ही काट रहे हैं वो। आपको तो बजट अच्छा लगा रहा है योगेश जी? बिल्कुल नहीं, सुनिए सुनिए गौरीशंकर जी, कोई नहीं और कोई काट नहीं रहे बात को। हम देखिए, कोई बजट बनाता है तो बहुत मेहनत से बनाता है, किसी की मेहनत से। अरे तो बात बात भाई साहब वही हुआ ना योगेश जी, आप तारीफ तो कर ही रहे हैं ना कि बजट जो है बहुत मेहनत से बजट मिला है, तो हम कैसे नकार दें, बहुत अच्छा बजट है, आपने कह भी दिया बहुत अच्छा बजट है। बिल्कुल कहा, अखिलेश जी ने भी कहा, लेकिन आईना दिखाना कोई खराब काम है क्या? विपक्ष होने के नाते सरकार को आईना की आपकी कमी ये थी, आप इसके आईना कहाँ दिखाया उन्होंने? उनसे तो ये भी पूछा गया कि कितना नंबर देते हैं, नंबर भी नहीं दिया उन्होंने, तो आईना कहाँ दिखा रहे थे? वो तो सीधे प्रहार कर रहे थे। आप उस कमी को दूर कर लीजिए। अच्छा आप ही बता दो, आप ही बता दो योगेश जी, कितना नंबर दोगे इस बजट पर? अखिलेश यादव ने नंबर आपको नंबर मिल जाएंगे सर, आप उन कमियों पे भी। भाई साहब अभी तो आप तारीफ कर रहे थे, नंबर बताने में क्या है? अखिलेश यादव नंबर नहीं दिया, आप बताइए कितना नंबर दे रहे हैं? हम बता आपकी कमी बता दी आपको, आप उस पर पुनर्विलोकन होता है, ऐसा नहीं कि फाइनल हो गया, अभी ये पुनर्विलोकन के लिए जाएगा, आप उन पॉइंट पे मेहनत करके अच्छा कर। तो योगेश जी आप समाजवादी पार्टी कैसे नेता हो कि आप अपने आपके जो सबसे बड़े नेता हैं उनकी बात ही ध्यान नहीं रहता? आपको ध्यान रखना चाहिए था ना कि क्या बोले अखिलेश यादव, है ना, क्यों बोल रहे हैं अखिलेश यादव? आप अखिलेश यादव से आगे निकल करके बोल दिया कि नहीं 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 सो बड़ा मेहनत लगता है बजट बनाने में, सो बजट अच्छा है, बढ़िया है, और उन्होंने नंबर नहीं दिया, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपको बजट अच्छा लगा ना योगेश जी, तो नंबर बता दीजिए। वित्त मंत्रालय की मेहनत को कैसे नकार में क्या हुआ है? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, दो चार लाइन इधर से, दो चार लाइन इधर से, दो चार लाइन इधर से, है ना, खींच खाच करके, और उन्होंने कह दिया कि ऐसा है बजट। पता नहीं भाई साहब, भाई साहब समाजवादी पार्टी का नेता, समाजवादी पार्टी का नेता अखिलेश यादव के लाइन पर ही नहीं बोल रहा है, तो मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूँ योगेश जी। इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है भाई, ये पढ़ के नहीं आए हैं। अरे क्या पढ़ना चाहते हैं बताइए, इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा जानते हैं। अच्छा रुके सर, एक मिनट रुके रुके, अभी 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 हम लोग थोड़ा सा अभी अभी एक मिनट रुक जाइए, अभी ओपन नहीं करेंगे, अभी ओपन नहीं करेंगे। नहीं योगेश जी आप पकड़े गए, पकड़े गए योगेश जी, पकड़े गए हैं। आपको देश के बजट से मतलब है, उत्तर प्रदेश के बजट से मतलब नहीं, ऐसा हमको लग रहा है। मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर के बाद। रफत फातिमा से चूंकि बात करना, रफत फातिमा जी आप लोग की इतना अनुभव किसको होगा, है ना, देश का बजट बनाने में इतना बड़ा अनुभव कांग्रेस पार्टी को है। अब देखिए क्या स्थिति आ गई कांग्रेस पार्टी की कि प्रादेशिक बजट को भी बड़ा ध्यान से पढ़ा जा रहा है कि कौन लाइन छूट गया, किस लाइन पर सवाल उठाएं, महिलाओं कितना मिला, बच्चों कितना मिला। अब बताइए ये उत्तर प्रदेश का बजट ठीक तो लग रहा है ना आपको? वैसे प्रियंका गांधी रहती तो कुछ बोलती, उत्तर प्रदेश तो उन्होंने छोड़ दिया रफत फातिमा के हवाले करके, तो अब रफत फातिमा को तो जवाब देना पड़ेगा कि बजट है कैसा। दरअसल गौरी जी, प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश छोड़ा नहीं है, सिर्फ प्रियंका जी ही तो पकड़े हुए उत्तर प्रदेश, आपको गलत फहमियाँ बहुत ज्यादा हो गई हैं, और रफत तो पकड़ेंगे नहीं। आप ना बोलिए, पहले आपका नंबर आए तो बोलिएगा, संयम बरतने की आदत डालिए, बीच बीच में बोलने की डेकोरम नहीं है, मेंटेन रखिए उसको डिबेट का, पहले बोल लेने दीजिए। और दूसरी बात, जहाँ तक बजट की बात हो रही है, पूरी तरीके से हवाई बजट है। महिलाओं का कहाँ पे इसमें, जो महिला पहले तो पिछले 5 साल का ये हिसाब दे, सिद्धपैनी ने पिछला बजट 5 साल का था उसके लिए क्या क्या करा, किस तरीके से सड़कें बनवाई हैं, किस तरीके से महिलाओं को जो महिला आरक्षी, जो महिला हेल्प डेस्क बनाए थे उसमें महिला आरक्षी नामित वो करे गए थे, मनोनीत किए गए थे, वो महिला हेल्प डेस्क में कहाँ है वो आरक्षी? जो आज बड़ी बातें हो रही महिला सुरक्षा के नाम पर, महिला सुरक्षा के नाम पे ये जो है बता रहे कि हम जो है महिलाओं को कौशल विकास के लिए 20 करोड़, सिर्फ 20 करोड़, क्या कौशल विकास के लिए इतना बजट पैसा काफी था? जिस तरीके से बात हो रही राशन की, राशन दिया भी और छीना भी, जैसे ये चुनाव मोड में आते हैं तो राशन देते हैं, जैसे ये चुनाव में सत्ता में आ जाते हैं राशन छीन लिया जाता है। आज कितने लाख परिवारों से ये राशन कार्ड जो है सरेंडर करने की बात करें, कि एक आम आदमी के घर में अगर दो पहिया वाहन है तो क्या गलत है? हालांकि इसका खंडन किया गया, राशन कार्ड सरेंडर करने वाली खबर का खंडन किया गया सरकार की तरफ। नहीं खंडन क्या करा गया, जब इतना बजा दी गई ना इन लोग का बैंड, तब जाके खंडन करा गया है, वरना उससे पहले तो वहाँ मुनादी हो रही थी बांदा में, डीएम साहब करा रहे थे जिसके जिसके घर। तो बजट आपको अच्छा नहीं लगा रफत फातिमा जी? नहीं, अच्छे अच्छे बुरे की बात नहीं होती है, बजट चाहे के लिए होता है, जन कल्याण के लिए होता है। जब जनता ही जो है निराशा में रहे
तो हमारा आपका मानना और न मानने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहाँ निराशा में जनता कब से है तो बताइए आप। अभी तक तो जनता इतनी उत्साहित थी कि उन्होंने वोट कर दिया, झोला भर भर के वोट किया कि बीजेपी को जिताना है। देखिए एक हद होती है, किसी चीज की भी हद होती है। जब तक अतिवाद जो होता है ज्यादा दिन नहीं चलता, बहुत ज्यादा अतिकांत जरूर होता है। आज ये जिस मुद्दों में उलझाए हैं उससे जनता बिल्कुल भटकी हुई है, वो अपने मूल मुद्दों पे आई नहीं रही है। जब मूल मुद्दे वो समझ में आने लगेंगे शिक्षा क्या है, आज किताबों के आप दाम देख लीजिए जाके, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, आपके भी पढ़ते होंगे, फीस किस तरीके से बढ़ाई जा रही है, तो शिक्षा इनका इनके एजेंडे में नहीं है, हेल्थ इनके एजेंडे में नहीं है। हाँ, डिप्टी सीएम साहब लगातार बनाए जा रहे हैं, वीडियो लगातार जा रहे हैं हॉस्पिटल्स में, लेकिन अभी गोंडा में एक आदमी जो है कंधे पे जो है अपने मरीज को लेकर जिस तरीके से बिना एम्बुलेंस जा रहा है, ये क्या दिखा रहा है? ये पूरी तरीके से रफत जी जो सवाल आप उठा रही है, इन सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। ये सवाल बहुत ही वाजिब है। मुकेश त्यागी जी एक बात बताइए, मुकेश त्यागी जी के पास मैं आना चाहूंगा, मैं पहले देख लूं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं आता हूं, एक ब्रेक के बाद तुरंत आते हैं। कर रहे हैं, मेगा बजट आ चुका है, सरकार कह रही है, जो दावे कर रही है कि बहुत ही बेहतरीन बजट है, इस बजट के जरिए सभी को सब कुछ मिला है, सबका साथ सबका विकास का नजरिए, इस नज़रिए के साथ इस बजट को बनाया गया है। कई मेहमान हमारे साथ हैं, मनीष गुप्ता के पास मैं पहले आना चाहूँगा, इसके बाद मुकेश जी के पास आऊँगा। मनीष गुप्ता एक बात बताएं, बजट तो बजट होता है, बजट साल भर का एक विज़न होता है। वैसे आजकल पता नहीं एक दो सालों से इस तरह का एक हमारा स्टेटमेंट अलग अलग पार्टियों से देखने को मिल रहा है, खासतौर पर बीजेपी की तरफ से कि हमने 5 साल के हिसाब से बजट बनाया, लेकिन बजट तो साल भर का ही हिसाब किताब होता है। मुझे थोड़ा सा ये बताइए, क्या इस पहले बजट के आधार पर क्या जो अगला बजट होगा इसे कंटिन्यू करेगा, फिर अगला बजट होगा इन दोनों को कंटिन्यू करेगा, क्या इस पहले बजट में 5 साल की प्राथमिकताओं को पूरी तरह से इंक्लूड किया गया है आपको लगता है? और जो विपक्ष प्रहार कर रहे हैं, हमलावर हैं इस बजट को लेकर, उनकी बातें कितनी सटीक लगती हैं आपको, बताइए। गौरी शंकर जी, ऐसे समझिए जैसे आपका बेटा 12 साल का है, और यानी आपको पता है 12th के बाद से या तो नीट करना है या आईआईटी की तैयारी करनी है, तो उसके लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से प्लान करेंगे कि 5वें साल मेरे पास इतने पैसे हो कि जब मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो जाए तो उसको हॉस्टल की फीस सब इंतजाम हो, है ना। तो इसे पंचवर्षीय योजना उस हिसाब से कहेंगे जो कांग्रेस की सरकार शुरू में लाई थी देश के लिए। तो ये क्या है, उन 5 साल की प्लानिंग का ब्लूप्रिंट है। क्योंकि चुनाव हो चुके हैं, सरकार चुनाव जीत चुकी है, इसलिए उन पर यह दबाव नहीं है कि कौन सा लोक लुभावन बजट लाया जाए। इसलिए आप देखिए इस बार के बजट में कोई बड़े इन्वेस्टमेंट के डिक्लेरेशन प्लानिंग नहीं है, है ना। जो बड़े बड़े प्लान हैं वो महिलाओं के लिए किए गए, कुछ मेडिकल पे किया, बेटियों पर किया, रफत तो कह रही कुछ नहीं हो रहा है, राशन पे किया, रफत तो कह रही कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे ही बेकार की बात कर रहे हैं, है ना। सरकार में कुछ 5 साल का पहले हिसाब दे दे, इस बजट में कुछ है ही नहीं, महिला सुरक्षा सब कुछ उन्होंने उनकी नजर में सब कुछ बेकार है। किसी भी सरकार का कोई भी देश में बजट देखेंगे तो विपक्ष के आंसर पहले से तय रहते हैं, पर ये अलग बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जैसे मेट्रो, दो नगरों में मेट्रो की बात की गई, है ना, उससे ये लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, लेकिन और अधिक काम भी किया जा सकता था जो यहां नहीं दिख रहा है। एक बड़ा काम जो उन्होंने किया वो है 15,000 सोलर पंपों की स्थापना की। अगर सोलर पंप बनेंगे तो बिजली का खर्च घटेगा, ये किसानों के लिए है, जहां लघु सिंचाई के लिए 1,000 करोड़ रखे, लेकिन अगर 15,000 सोलर पंप बनेंगे तो कितने जगह बिजली आपकी खर्ची नहीं होगी, बिजली खर्च नहीं होगी और सोलर पंप वाले को बिजली सस्ती पड़ेगी, और जो सोलर पंप सस्ते पड़ेंगे और वो बची हुई बिजली और लोगों के काम आएगी। तो ऐसे करके इस तरीके से डेवलपमेंट किया जा रहा है कि 5 साल में, अगर 1 साल में 15,000, तो 5 साल में 1,00,000 सोलर पंप। 1,00,000 सोलर पंप का मतलब है उत्तर प्रदेश में बिजली की
जो जरूरत है उसका 10% का आपने बिना बिजली का फैक्ट वो लगाए, डैम बनाए, बिना बिजली का प्लांट लगाए आपने अरेंजमेंट कर दिया। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा बिजली बनी और बिना किसी कॉस्ट के बनी। तो सरकार सरकार तो फिर मनीष गुप्ता जी सरकार का सरकार की जो सोच है, जो विजन है, उसकी तो तारीफ करनी चाहिए विपक्ष के लोगों को, उसकी तो तारीफ करनी चाहिए कम से कम। अगर अगर सरकार पर हमला ही करना है कि सिर्फ हमला ही करना है, कुछ नहीं कर रही है सरकार, अगर सिर्फ हमला करने का इरादा है तब तो किसी मुद्दे पर है ना कुछ भी सरकार पर सवाल उठाया जा सकता है। मुकेश त्यागी से एक सवाल रहेगा मेरा, मुकेश त्यागी जी जनता को समझाने में कामयाब रहते हैं आप लोग, हमेशा रहते हैं, मैं तो देख रहा हूँ हमेशा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जनता आपको वोट करती है, आपकी सरकार बन रही है, विपक्ष को आप नहीं समझा पाते। विपक्ष तो यहाँ तक कि जनता पर भी सवाल उठा देता है ना। दिक्कत यह है कि जनता के मैंडेट पर भी विपक्ष की तरफ सवाल उठाया जाता है कि जनता ना समझ है, जनता को भी समझ में नहीं चीज़ें आ रही कि कैसे आप लोग जनता को घुमा रहे हैं, जनता को है ना मतलब दिन में जो है पता नहीं कहाँ के सपने दिखा रहे हैं। मुझे थोड़ा सा बताइए, कुछ ऐसा मैकेनिज्म आप लोग को डेवलप करना पड़ेगा कि सरकार की जो बदनामी कहीं कहीं होती है विपक्ष के जरिए, उस मैकेनिज्म के जरिए कम से कम विपक्ष को जवाब तो दिया जा सके। विपक्ष भी सवाल सही उठाता है कभी कभी, वहां पर आप लोग कमजोर दिखते हैं सही मायने में देखा जाए तो। बताइए सर। नहीं आप ये बताइए मुझे कहाँ पर कमजोर देखते हैं? ये जो ट्वीन अभी तो रफत बता रही थी, सुन रहे थे ना आप? नहीं मैं सुन रहा था, मैं मुझे कहीं पे भी एक भी जगह ऐसा तर्क नहीं आया जिसमें योगी सरकार की कोई कोताही उन्होंने उजागर की हो। मैं अब आपको बताता हूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए, ये विषय बहुत गंभीर है, ये पूरे उत्तर प्रदेश के मुस्तकबिल का मामला है, उनकी जनता का मामला है। योगी सरकार ने देखिए किस प्रकार से जो है विकास की बुनियाद रखी है, 2017 से 2022 तक जिस प्रकार से उन्होंने, दो साल का कोरोना काल भी था, आप ये देखिए प्रधानमंत्री और योगी का जो एक बहुत बढ़िया टीम है, ट्वीन इंजन की सरकार है, आप मुझे बताइए पिछले 5-6 साल में एक भी रॉयट नहीं हुए, एक भी दंगा नहीं हुआ। सुरक्षा क्यों, कोई छोटी मोटी चीज है? अरे उत्तर प्रदेश इतना अपराधीकरण बढ़ गया था, इतनी फिरौती बढ़ गई थी, वहां पे महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। तो अगर उत्तर प्रदेश के आज अमन शांति है, क्यों नहीं फॉरन इन्वेस्टमेंट होता था? एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, जरा 2 मिनट बोलने दीजिए, अब आपने प्रश्न किया तो सुन लीजिए। हाँ ठीक है, बात पूरी कर ली, बात पूरी कीजिए सर त्यागी जी, बात पूरी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर महिलाओं के साथ वहाँ पर जिस प्रकार से असुरक्षा का वातावरण बना था, क्या योगी जी की छोटी मोटी उपलब्धि है महिलाओं के प्रति? आज कॉन्स्टेबलरी में 10,000 में से उन्होंने एक पूरा बटालियन क्रिएट कर दिया उसके लिए, इस बजट के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी जा रही है। आज उनके स्टार्टअप हैं, इंक्यूबेटर सेंटर है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, बाहर से इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा है, लेबर लॉज रिफॉर्म्स हो रहे हैं, बहुत से ऐसे कानून है जो उन्होंने रद्द कर दिए हैं, हर प्रकार से सक्षम योगी सरकार, कोई करप्शन का केस किसी के खिलाफ नहीं लगा है। अरे आप उठा के देख लीजिए किस प्रकार से अखिलेश यादव की सरकार में करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा साथ। बताइए रफत फातिमा, आपने 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 आरोप तो लगा दिया, लेकिन सरकार किस तरह से काम कर रही है? और मैं भी इस बात को मानता हूँ कि दंगे फसाद है ना उत्तर प्रदेश में बहुत आम बातें हुआ करती थी, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो रही है। तो कानून व्यवस्था की स्थिति भी काफ़ी बेहतर है ना हर लोगों को दिख रही है। फिर आपको आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार कानून व्यवस्था पर फेल है, महिला सुरक्षा पर फेल है, जबकि सारी चीज़ें तो त्यागी जी सही बता रहे हैं और कई चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से बता रहे हैं। मुझे लगता है कि हर लोगों को वो चीज़ें पसंद आ रही होगी, आप क्यों फिर सवाल उठा रहे हैं इसलिए कि कांग्रेस में आप अपने मुंह में बिट्टू वाली बात कर रहे हैं। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर तो आपके सामने है कि किस तरीके से नहीं इसमें नहीं 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 फातिमा जी, अपना मुंह में मिट्टू कैसे हो गया? अगर अगर दंगा फसाद नहीं हो रहा है तो सही, ये तो फैक्ट सही है ना? आपकी बात नहीं है, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी अभी। दंगा फसाद, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है? आपने यूपी में देखा नहीं हालात कि किस तरीके से जो है लोगों को परेशान करा जा रहा है? और दंगाइयों को ये आलम है कि सरेरा लड़कियों को छेड़ना, जिस तरीके से रेप हुआ, हाथरस की घटना भुला सकते हैं, प्रयागराज की घटना बुलाई जा सकती है, उन्नाव की घटना बुलाई जा सकती है, लड़कियां सुरक्षित कहाँ है? और जो महिला हेल्पलाइन के जो नंबर दिए गए थे, बदलने से कुछ नहीं होता है, किसी चीज का नाम बदल देने से, नंबर बदलने से कुछ नहीं होता है जब तक उसमें कोई कार्यशैली उसकी ना दिखे। उसकी कार्यशैली का यह आलम है कि अगर कोई अपनी रिपोर्ट लिखाने जाता है या कॉल नहीं है। और थानों के क्या आलम है?
अगर एफआईआर बच्ची करने जाती है तो उसी को सताया जाता है। तो हालात क्या है, बस बदतर है, यूपी की बदहाली वैसी ही है। तो दिक्कत मुंह से कह देने से रफत फातिमा जी एक बात बताइए, फिर ऐसा क्या है बीजेपी में कि बीजेपी कानून व्यवस्था पर जब सवाल लेकर के जनता के बीच में जाती है तो झोला है ना, झोला भर करके लोग वोट करते हैं और आप लोग को रायबरेली तक सीमित कर दिया गया। आप लोग क्यों, मतलब आप लोग सवाल उठा रहे हैं और अगर बेहतरीन सवाल जेन्युइन सवाल उठा रहे हैं तो जनता आपके साथ होना चाहिए ना, तो जनता आपके साथ क्यों नहीं है? अगर ऐसे सवाल से तो जनता को रूबरू होना चाहिए। मैंने कहा ना, अभी जनता जो है बहुत सारे ऐसे इश्यूज है, जनता उससे अवेयर नहीं है। मैंडेट भी सवाल उठा रही है, सड़कों की बात हो रही है, मैंडेट भी सवाल उठा रही है। बिल्कुल, मैंडेट पे भी हम सवाल कर रहे हैं कि जो है अभी मैंडेट पे सवाल उठा रही है कि जनता ने वोट किया गलत पार्टी को वोट किया। मैंने गलत नहीं कहा, अपने मुद्दों के लिए के अवेयर होना जनता के लिए बहुत बड़ी बात है। जब शिक्षा स्वास्थ्य और उसका यही मुद्दा हो जाएगा। आप लोगों ने किताब लिखा था, हर समस्या पे किताब लिखी गई थी आपकी पार्टी की तरफ से कि रोजगार को कैसे बढ़ाएंगे, स्वरोजगार को कैसे बढ़ाएंगे, सालों साल जब एजेंडा चलाएंगे, मंदिर मस्जिद का, महंगाई कम कैसे करेंगे, गाय घर वापसी का, आपकी किताब तो कोई पढ़ा ही नहीं रफत फातिमा जी। नहीं बिल्कुल, पर जनता को हम अवेयर करते जाएंगे और करते रहेंगे, मुख्य विपक्ष की अगर भूमिका। अवेयर देखिए, अवेयर करना अलग बात है, लेकिन देखिए क्या है ना, गलत चीजों को अवेयर करना गलत हो जाता है, जो चीजें सही है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं आ रहा हूँ योगेश जी के पास, मैं आ रहा हूँ योगेश जी, एक बात बताइए, 2012-17 की बात मैं नहीं करना चाहूंगा क्योंकि अब 2012-17 की बात करना बेकार है, इसलिए कि अब योगी सरकार करिए, यहाँ टीवी डिबेट का डेकोरम नहीं है, आपको थोड़ा सीखने की जरूरत है जब आया करिए डिबेट में कि कैसे महिलाओं को बोला जाता है। त्यागी जी उसके लिए अभी बैठे हुए हैं, आप परेशान मत होइए, अपना काम से काम रखिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको नहीं, मुझे सच मत बताइए, मुझे सच मत बताइए। तो आप झूठ ना बोलिए, जनता के हित की बात करिए, जनता के कल्याण की बात करिए, जनता के मुद्दों की बात करिए, जनता के अधिकारों की बात करिए, यहाँ बैठ के हमको मत समझाइए। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ, मैं एक मिनट, आप दोनों थोड़ा सा रुकिए, फिर सवाल कुछ रह जाएंगे हमारे। योगेश जी आ रहे हैं, रफत आपके पास मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ, मनीष जी आपके पास भी आता हूँ। योगेश जी एक बात बताइए, ठीक है इतना मैं समझ गया कि समाजवादी पार्टी में सभी नेता एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ नेता ऐसे भी हैं जो योगी सरकार के काम की तारीफ करते हैं, उसमें से आप हैं एक, मैं मान गया इस बात को, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार की तारीफ होनी चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस बना करके चलना चाहिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं 12-17 की बात नहीं करूँगा, मैं 17-22 की ही बात करूँगा। आप लोग को नहीं लगता है कि तो अखिलेश यादव देखिए लोकसभा छोड़ करके विधानसभा को पकड़े हुए हैं, है ना, विधानसभा में बहुत ही मजबूत विपक्ष के तौर पर खुद को साबित कर रहे हैं, खुद को पेश कर रहे हैं। आप लोगों को जनता से ज़्यादा है ना, जनता से ज़्यादा सरोकार रखने की ज़रूरत है, सरकार के काम में कमी निकालना बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए, एक बड़ी जिम्मेदारी है विपक्ष के पास। लेकिन अगर सरकार बेहतर काम कर रही है तो सरकार का थोड़ा साथ देना जरूरी है, क्योंकि भला तो जनता का ही होगा ना आखिरकार। आप शुरू से देखिए, एक अच्छे विपक्ष की तरह साथ नहीं है, लेकिन कमी बिल्कुल यही होगी कि आज के दिन में जो एक बात आ रही है, इसीलिए तो आ रही है थी कि आपने मूलभूत सुविधाओं पे ध्यान नहीं दिया ना। आपने अगर चिकित्सा क्षेत्र में बहुत दिन नहीं पहले गंगा जी ने जो कोविड की वजह से जो लाशें तैरी, उस पर भी आपको बता दीजिए हम आगे चिकित्सा व्यवस्था में क्या करने जा रहे हैं, जिससे प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था में इतना हम दे रहे हैं, इतने करोड़ का बजट है, वो चिकित्सा व्यवस्था सही होगी, शिक्षा व्यवस्था सही करेंगे, रोजगार के लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं, किसानों को आपने जो आपने एक चीज कहा कि संकल्प पत्र के वादे पूरे करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे,
मुफ्त बिजली मुफ्त इलाज करेंगे, लेकिन उस पर भी आप खड़े नहीं उतरे। आपके यहाँ सबसे बड़ा घोटाला हुआ एसआई भर्ती घोटाला, जो बच्चे इको गार्डन में बैठे हुए हैं अगर कोई मिलने जाता है तो उसे जो है धमकी दी जाती, कोई पत्रकार कवर करता है धमकी दी जाती कि मुकदमा फंसा देंगे हम। उसकी बात है जो कमी है उसे बिल्कुल बताइए, आपके लूपहोल। आप अगर गर्व से कहते हैं कि 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5 एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में है तो है बिल्कुल है, लेकिन आपको ये बिल्कुल मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां उत्तर प्रदेश में है। क्यों आपके डीएम जो है 24 रुपए किलो गेहूँ और 32 रुपए किलो के हिसाब से चावल की वसूली का नोटिस भेज देते हैं? आज आप खिला रहे हैं फ्री फ्री के नाम पर, जनता आपसे जनता आज कुछ देखना चाह रही थी कटकी लगा के। फ्री का जब नाम आता है तो जनता ये समझ गए कल को ये फिर हमसे वसूल लेंगे। ये इस फ्री में जो है जनता को अब झोल नजर आता है। अब विपक्ष होने के नाते हम आईना दिखाते रहेंगे, चाहे आप कहते रहिए कि हमें कुछ नहीं आता, लेकिन हम आईना दिखाते रहेंगे और जिस कमी को जब तक आप कमी नहीं दूर करेंगे हम विरोध करते रहेंगे, मुखरता से विरोध करते रहेंगे। विरोध करने के लिए कोई मना थोड़े ही है भाई साहब, विरोध तो बहुत चीजों का हो रहा है देश के अंदर, है ना? विरोध तो इतनी चीजों का विरोध हो रहा है कि समझ में नहीं आता है कि इसका विरोध किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए। बजट का विरोध आप लोग टेलीविजन पर क्यों कर रहे हैं? करना होता तो आप, है ना, सदन के अंदर जो कार्यवाही चल रही थी उस वक्त भी कर सकते थे, बड़ा शांति से लोग सुन रहे थे, साथ दे रहे थे, तो अभी भी साथ दीजिए। आपने कहा भी कि बजट अच्छा है। चलिए जनार्दन, अब पता नहीं योगेश मिश्रा जी, मुझे लगता है कि बजट को लेकर के बजट से बहुत कुछ पता तो सरकार का चल जाता है कि सरकार सोच क्या रही है, मंशा क्या, इरादे क्या है, लेकिन बजट में बहुत सारी खामियां होती हैं, चाहे सरकार किसी की भी रहे, बीजेपी की रहे, समाजवादी पार्टी की रहे, चाहे कांग्रेस की रहे। क्या आप लोग जब बजट पेश करते थे तो आप लोग का बजट कम्प्लीट था क्या? नहीं था। लेकिन बजट धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बजट का आकार बड़ा हो रहा है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड की जा रही है। कई चीज़ें समझ में पहले नहीं आती कि अच्छा इसे भी इंक्लूड करना, लेकिन अब इंक्लूड की जा रही है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है आगे आप लोग भी बढ़ना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन मिश्रा जी इस वक्त है। जनार्दन जी एक बात बताइए, बजट की सबसे खास और उपयोगी बातें क्या लगी जनार्दन जी, जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर तकदीर दोनों बदल देगी? सरकार के हिसाब से मत सोचिए, जनता के हिसाब से सोचिए। बीजेपी को क्या फायदा होगा मत सोचिए, है ना, समाजवादी पार्टी को क्या नुकसान होगा ये मत सोचिए। कांग्रेस तो अभी बहुत बहुत लंबा दौड़ना है कांग्रेस को, पता नहीं दौड़ पाएगी नहीं दौड़ पाएगी, बड़ा मुश्किल है, लेकिन समाजवादी पार्टी तो है इस दौड़ में, तो उसके लिए क्या नुकसान है, बीजेपी के लिए क्या फायदा मत सोचिए। जनता को क्या मिलने वाला है इस 5 साल के दरमियान, कितनी पॉजिटिव बातें आपको दिख रही हैं इसमें, बताइए सर। गौरी शंकर जी, कुछ प्रमुख बिंदु जरूर रखना चाहूंगा इसमें। जो सबसे मुझे आकर्षित बड़ी चीज लगती है कि छोटे उद्योग धंधों को, एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने का एक बड़ा प्रयास किया गया, इसको फोकस किया गया है। इससे क्या है, रोजगार सृजन अच्छा होगा। और देखिए, जॉब देना, एम्प्लॉयमेंट देना जो है, सरकारी नौकरी देना, वो सरकार के लिए संभव नहीं इतने बड़े स्केल पे, लेकिन छोटे रोजगार के माध्यम से, छोटे उद्योगों के माध्यम से एक बड़ी जनसंख्या को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। और दूसरी चीज जो ये इसमें महिलाओं के लिए और वृद्धा पेंशन के लिए, तो ये सारी चीजें जो हैं, जो महिलाओं को घर में जो बात हो रही थी कि जो परिवार में एक मजबूती देने का काम संकल्प पत्र में कहा गया, उन्होंने बोला कि जैसे कि रसोई में हम चीजों को सस्ता करेंगे, तो ये चीजें अब इसे प्रतिलक्षित हो रही हैं और इसको और भी आगे, जैसे आपने कहा ना, ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, इस तरीके से पूरा करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मनीष गुप्ता जी, एक मिनट में सर बोलिएगा अपनी बात, फिर मैं रफत के पास, फिर मुकेश त्यागी जी के पास जाऊंगा। मनीष गुप्ता जी, एक बात बताइए, इस बजट को क्या बोला जाए, आप योगी 2.0 सरकार की जो बजट है, क्या ये बजट प्रैक्टिकल है, क्या ये बजट विजनरी बजट इसको कहा जाएगा, या फिर इस बजट को कहा जाएगा आउट ऑफ माइंड है, समझना बड़ा मुश्किल है इस बजट को। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने वाला बजट है, किसानों और महिलाओं का बजट है, और बेहतर बजट भी बनाया जा सकता था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद पहले बजट के एंगल से अगर देखेंगे तो सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस देता है। बहुत बड़ी उम्मीदें पूरी नहीं होंगी, लेकिन आने वाले समय के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। चलिए ठीक है, चलिए मुकेश त्यागी से एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, फिर मैं आऊंगा रफत, फिर योगी जी के पास। मुकेश त्यागी जी, एक बात बताइए, आपने जैसा कहा कि समावेशी है और बहुत ही सबका साथ सबका विकास लेकर चलने वाला बजट होगा, ठीक है, कांग्रेस अपने तरीके से इसको एनालिसिस कर रही है, समाजवादी पार्टी भी अपने तरीके से इसका विश्लेषण कर रही है,
मैं जानना चाहता हूं इसके बावजूद ऐसा क्या लगता है कि छूट गया, ये भी होता तो ज़्यादा अच्छा होता ताकि विपक्ष को सवाल उठाने का मौका तो नहीं मिलता। इस बजट में कुछ छूटा है, ऐसा कुछ याद आता है आपको, या फिर आपने मुहर लगा दी कि समावेशी है, सबका साथ सबका विकास इसी से होगा, इसी बजट से होगा? देखिए ऐसा है गौरी शंकर जी, कहीं पर मैं समझता हूँ अगर कोई हमारे साथ जो एक घटना घटी है जिसको कोरोना की घटना कहते हैं, कोरोना के दौरान जिस प्रकार से विश्व व्यापक संकट आया था, सब बर्बाद हुआ सर, सब बर्बाद हुआ, उसका प्रभाव बहुत बड़ा है। उसके बाद भी योगी सरकार ने अपने संतुलन को मजबूती से बना के रखा, सुशासन दिया, आर्थिक स्थिति से चाहे वो लेबर हो, चाहे वो महिला है, चाहे वो फ्री अनाज है, ऐसे क्राइसिस के मोमेंट पे योगी सरकार और मोदी सरकार बिल्कुल दुरुस्त खड़ी नजर आई। कहीं पर भी उनकी कहीं कोई कोताही नजर थी, वो कहते हैं कि चमन को सींचने में कुछ गलतियां, कुछ पत्तियां गिर गई होंगी, यही इल्जाम लगा रहे हैं हम पर, लेकिन जिन्होंने रौन डाला पूरे देश को अपने जूतों से, वो आज रहनुमाई कर रहे हैं देश की। तो ऐसे ऐसे लोगों की बातें जो है, मैं समझता हूँ कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, मोदी सरकार का सुशासन देख लीजिए, कोई करप्शन का केस नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, ये कंट्री स्कैम और करप्शन से भर गई थी, उत्तर प्रदेश में अराजकता की पराकाष्ठा हो चुकी थी। आज जिस प्रकार से योगी सरकार ने सब प्रकार से इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, पहले कितने मोबाइल बनते थे, आज वहां पर इतने मोबाइल बनते हैं कि देश के अंदर उसका वितरण किया जा रहा है, डिफेंस कॉरिडोर है, फिल्म सिटी है, आप नाम देखिए कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, 5 जो है हाईवेज बन रहे हैं, मतलब हर प्रकार से 5 एयरपोर्ट आ रहे हैं, हर प्रकार से तो उन्नति हो रही है। तो अब जब उन्नति हो रही तो आपको मैं समझ नहीं आ रहा, महिलाओं के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है ये सरकार, महिलाओं का कहीं बंटवारे का कोई प्रश्न नहीं होता, सबको हम लोग मौका देने आगे बढ़ने का, सबको एजुकेशन में कोई रिजर्वेशन नहीं है कि इसको रिजर्वेशन है उसको नहीं रिजर्वेशन है। तो रफत योगी सरकार, मैं समझ गया सर, रफत फातिमा अगर सरकार कांग्रेस की होती तो कैसा बजट आप लोग बनाते, इसे बेहतर बनाते, और क्या बेहतर होता फिर जरा बताइए। कोरोना पे बात कर रहे थे, कोरोना पे तो योगी सरकार ने पूरी तरीके से साफ तौर पे कह दिया था कोई मौत ही नहीं हुई, और WHO को रिपोर्ट क्या कह रही है, कितने लाख लोग कोरोना से मरे, वो क्या कह रही है, तो इनकी बातों में ना आई। आप लोग कोरोना पे कितना तर्क दिए आप लोग फातिमा जी, है ना, जनता ने नकार दिया, मत बोलिए ना, हमें उससे मतलब नहीं। आप लोग हर जगह फेल क्यों अपने आप को साबित करना चाहते हैं? मैं जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। नहीं नहीं, हम उस पे नहीं जाएंगे, जनता ने हमें नकारा नहीं नकारा, हम तो चीजें या मुद्दे जरूर उठाएंगे, चाहे मुझे जनता नकारे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मुद्दे उठाइए, मैं तो कह रहा हूँ आप मुद्दा उठाइए कि आपका अगर बजट होता, आपकी सरकार का ये बजट होता, कितना बेहतरीन बजट बना लेते और क्या रखते उस बजट में, बताइए। शौचालय के नाम पे छला जा रहा है, यूपी के 3,000 से ज्यादा गांव में देख लीजिए कैसे नहा रही औरतें, ये भास्कर की रिपोर्ट है, ये हम नहीं कह रहे, हम बिना साक्ष्यों के यहाँ नहीं बैठे, हम बिना जो है पढ़े लिखे नहीं आते यहाँ बैठे, यहाँ पे शौचालय के नाम पे जो बड़े बड़े होल्डिंग विकास और प्रचार की बातें करी है, तो प्रचार से नहीं होता है, आप हम तो कह रहे हैं जन कल्याण की बातें करिए, आप कांग्रेस की बात ना करिए, आप अपनी जो सत्ता में अपने जन कल्याण की बातें करिए, आपने जो कहा 5 साल पुरानी जो है रिपोर्ट आप दे दीजिए, जो आपने करा हो हम उसके आगे का आपका बजट आपका बहुत विभावना बता देंगे आप ऐसे, लेकिन 5 साल की रिपोर्ट तो बताइए आपने क्या क्या करा, सड़कें उसी स्थिति में है आज, सड़कों में ग्रामीण क्षेत्र के लिए आपने क्या दिया है, सिर्फ विकास के लंबी लंबी बातें करने से विकास नहीं हो जाता, विकास के लिए आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन काम आप नहीं कर रहे, आप तो जनता को मंदिर मस्जिद के रूप में उलझाए हुए हैं, आप तो जनता को गाय के वो ऊपर उलझाए हुए हैं, आप तो क्या मनीष गुप्ता जी एक बात बताइए, जो फातिमा जी कह रही है ये रियलिटी है क्या उत्तर प्रदेश के लिए? कांग्रेस को रिप्रेजेंट करती हूँ, इससे ज्यादा बड़ी कोई बात ही नहीं कहूंगा, कितने मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की आप ये नहीं समझ रहे हैं, कितने एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है, रोजगार के लिए बाहर से पैसा दे प्रदेश में आ रहा है, अगर हम ये नहीं देख पा रहे इसका मतलब है हमारी यादों पर एक खास रंग का चश्मा चढ़ा हुआ है, किसानों के लिए व्यवस्था की जा रही है। आप बताइए ना कौन से नाम है, जरा लिस्ट बनाइए पूरे नाम, मेडिकल कॉलेज जितने या जितने स्कूल बनवाए, कोई नया काम बता दीजिए आप,
अरे कम से कम 15 मेडिकल कॉलेज बने मैडम, क्या बात कर रहे हैं? हाँ मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि रफत फातिमा को पता नहीं कहाँ से आंकड़े मिले हैं। 15 मेडिकल कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज तो बना है रफत, मेडिकल कॉलेज तो बना है, एक्टिवेट हो रहे हैं अभी और कई बनेंगे। अच्छा एक मिनट, जनार्दन मिश्रा जी जरा बताइए, रफत फातिमा जो आंकड़े पेश कर रही हैं, रियलिटी क्या उत्तर प्रदेश में दिखता है क्या? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से बता पाएंगे, बताइए जरा। देखिए गौरी शंकर जी, विपक्ष और स्पेशली मैं कांग्रेस की बात करूं तो जो आरोप लगा रहे हैं वो अभी भी वो बदले नहीं है। चुनाव से पहले उनको जनता ने बता दिया है कि उनके आरोपों में क्या आधार था और क्या दम था। और दूसरी चीज मैं यहाँ पर ये रखना चाहूंगा, जो उनके नेता जो चुनाव के दौरान यहीं बने हुए थे वो यहाँ पर अब दिखते नहीं है। राहुल गांधी जी कैलिफोर्निया में जाके चिंतन शिविर करते हैं। तो ये चीजें जब आप प्रदेश की समस्याओं से आप जुड़े हुए नहीं है, प्रदेश में आप देख नहीं रहे हैं, तो आप कैसे उसमें करें? जानकारी मत बोला करिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन उदयपुर में चिंतन से नहीं। तो रफत जी आप कह रही हैं कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना, हम लोग के पास में जो आती है चीजें हम लोग वहां जाके देखते हैं, आप कह रही हैं कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना। हाँ पता नहीं है कहाँ से आंकड़े लाते हैं रफत फातिमा जी, मैं हैरान हो रहा हूँ। मैं तो जर्नलिस्ट जो इतने बड़े हैं, आप बता दीजिए कौन कौन सा नाम बता दीजिए मुझे। जनार्दन मिश्रा जी अब नाम भी भेजा जाए क्या कांग्रेस कार्यालय को? मुझे लगता है कि अभी रफत जी सबकी लिस्ट एक आप जब गूगल करेंगी सिर्फ इतना लिख दीजिए कौन कौन से कॉलेज अभी पास हुए हैं, उसमें आपको लिस्ट मिल जाएगी। महिला सुरक्षा को लेकर क्या स्थिति है? महिला सुरक्षा पर भी सवाल उठा रही है, क्या स्थिति है जरा जनार्दन बताइए। देखिए मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताता हूँ, महिला सुरक्षा पे पश्चिम में सबसे ज्यादा एक निगेटिव बात बोली गई, लेकिन मैं आपको बताऊं कुछ महिलाओं से मेरा सीधा संपर्क हुआ, उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए शाम को 7 बजे के बाद हमारी हिम्मत नहीं होती थी हम बाहर निकल जाएं, और योगी सरकार में चीजें बदल चुकी हैं, हम 11 बजे तक किसी भी रिश्तेदार के यहाँ जा सकते हैं, हमको कोई रोकता नहीं, हमारे हमें डर नहीं, हमारे जीवन छीन लिए जाएंगे। बोलिए मनीष जी बोलिए। मैं बता देता हूँ कौन कौन से मेडिकल कॉलेज को सर, बताने क्या जरूरत है सर, पूरा गूगल में पड़ा हुआ है, अब उतना वक्त नहीं रहता कि है ना 30-30, 32-32 जगहों का नाम बताया जाए, लेकिन है तो गूगल में पड़ा हुआ है सारी चीज। चलिए सर आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।